बच्चों नमस्कार संस्कृत है। हम लोग कक्षा 7 में आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पहले तो एक अच्छा है, यहाँ से बदल दिया जाए, ये सूक्त है, ये जो पाठ है इसको बदल दिया जाए, फिर देखिए क्या पढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 7 ठीक है, गलत है, ऐसे लिखा है संवाद। देखिए इसमें यक्ष और युधिष्ठिर दो पात्र हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं इस संसार में, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें भी जाननी चाहिए, सिर्फ युधिष्ठिर और यक्ष को ही नहीं जानना चाहिए। इसलिए उन बातों को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया कि हम भी उनको जान सके, पढ़ सके। तो यहाँ लिखा कि किन सिद्ध गुरु तरा भूमि, किन सिद्ध उच्च तरम चखात, किन सिद्ध शीघ्र तरम वायो, किन सिद्ध बहु तरम दृढ़ात। यक्ष प्रश्न कर रहा है युधिष्ठिर से कि किन सिद्ध गुरु तरा भूमि, किन सिद्ध उच्च तरम चखात, किन सिद्ध शीघ्र तरम वायो, किन सिद्ध बहु तरम दृढ़ात। फिर युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं कि माता गुरु तरा भूमे, खात पितोच तरस तथा, मन शीघ्र तरम वातात, चिंता बहु तरे दृढ़ात। किन सिद्ध प्रवस्तो सार्थ प्रवस्तो मित्रं, भार्या मित्रं गृहे सतः, आतुरस्य विसंग मित्रं, दानं मित्रं मरेष्यतः। कह दुर्जय शत्रुः पुंसां, कह च व्याधिर् अन्तकः, कीदृशः स्मृतः साधु, साधु कीदृशः स्मृतः। क्रोध सुदुर्जय शत्रु, लोभो व्याधिरन्तकः, सर्वभूत हित साधु, असाधु निर्दयः स्मृतः। कह पंडित पुमान गेयो, नास्ति कह कह च उच्यते, को मूर्ख कह च काम है, स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। धर्मज्ञ है पंडितो गेयो, नास्ति को मूर्ख मुच्यते, काम है संसार हेतुश्च, रित्ता को मत्सर स्मृतः। देखिए श्लोक पद्य होता है और श्लोक लाइन की तरह पढ़ने योग्य नहीं होता, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो छात्र हो। अगर श्लोक को लाइन की तरह आप पढ़ोगे तो ये श्लोक की तौहीनी होगी, ये उस कवि की तौहीनी होगी जो ये समझ के लिखा कि मेरे इस लाइन को कोई गाएगा। क्योंकि अगर एक गाना को, जैसे आप लोग गाना सुनते हो,
मेरे रस के एक मर सुनते हो ना। अब अगर उसी को अलग अलग करके एक जगह को पढ़ो, मेरे फिर रस के फिर कमर। अब बताओ ये सोच के लिखा था कभी? कभी माने ठीक है, जिसने गाना लिखा वो ये सोच के लिखा कि इसको जब कोई व्यक्ति गाएगा तो उसे क्या मिलेगा? रस की अनुभूति होगी, होगी कि नहीं होगी। अब उसके लिखने का उद्देश्य क्या था कि इस गाने को सुन करके सुनने वाला प्रसन्न हो, सुनने वाले के अंदर एक भाव होगा। अब वो भाव अच्छा होगा बुरा होगा मैं उस पर नहीं विचार कर सकता, लेकिन उद्देश्य गाना लिखने का क्या था? तो वैसे इस श्लोक लिखते समय कवि का उद्देश्य होगा कि इसको इस तरीके से जब पढ़ा जाएगा तो इसमें मजा आएगा। इसीलिए इस श्लोक बच्चों हमेशा गाकर पढ़ना चाहिए कि किंस्विद गुरु तरा घूमे, किंस्विद उच्च तरम चखात, किंस्विद शीघ्र तरम वायो है, किंस्विद बहुतरम दृढ़ात। माता गुरु तरा घूमे, खात पितो चरस तथा, मन शीघ्र तरम बात, चिंता बहुतरे दृढ़ात। यही लाइन है, आप जरा बोलिए। यक्ष उवाच, यक्ष प्रश्न कर रहा है किसे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आप जानते होंगे, इनके नाम में इनका इनके नाम का रहस्य छिपा है। युद्ध, युद्ध शब्द है सप्तमी का एक वचन। युद्ध माने युद्ध क्षेत्र में आधार है, आधारोपकरण है, सप्तमी विभक्ति का कारक होता है अधिकरण का। जिसको आप पढ़े अधिकरण पढ़े होंगे उसका सूत्र है संस्कृत में आधार को अधिकरण कहते हैं। किसको अधिकरण कहते हैं? आधार। अब युद्ध आधार और लड़ाई, युद्धा अगर लड़ाई करे कर रहा है तो कहाँ कर रहा है? अपने घर में नहीं, युद्ध में कर रहा है। तो युद्ध क्या है? आधार है। तो इसीलिए युद्ध ही लिखा। युद्ध माने सप्तमी एक वचन का रूप है कि युद्ध में, और स्थिर है क्या? युद्ध धन स्थिर है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। आप जरा बताइए युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है। क्या कहलाता है? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। रीजन इसका यही है कि इसलिए युधिष्ठिर के नाम में ही उनका नाम उनके गुणों के आधार पर रखा गया, क्योंकि अगर युधिष्ठिर युद्ध लड़ना चाहते पांडवों से तो बहुत पहले महाभारत हो गया, लेकिन बहुत बर्दाश्त करने के बाद बहुत क्षमतावान व्यक्ति हैं, जैसे जैसे धरती माता हैं कि बहुत क्षमतावान हैं, बहुत सहनशील हैं, कि आदमी धरती माता के ऊपर कौन कौन सा सब दुष्कर्म नहीं करता है, लेकिन वो सबको क्षमा कर देती है, किसी के ऊपर जल्दी गुस्सा ही नहीं। तो ऐसे युधिष्ठिर भी धरती पुत्र कहे जाते हैं, इसीलिए उनका एक विशेषण धरती पुत्र है युधिष्ठिर का, कि जैसे धरती माता कितना भी अत्याचार करो नहीं बोलती है, वैसे युधिष्ठिर भी बड़े सहनशील थे धरती माँ की तरह। तो उनसे ये, लेकिन सत्यवादी थे, सत्यवादी राजा थे, जो एक बार उनसे बोल देते थे वो कटता नहीं था, तो इसलिए वो इस विश्व में प्रसिद्ध हैं, जाने जाते थे। तो यहाँ यक्ष प्रश्न कर रहा है उनसे कि किंस्विद गुरुतरा भूमि, कि गुरुतर, गुरु माने बड़ा, देखिए गुरु माने बड़ा और गुरुतर माने दो शब्द है, एक है गुरु और एक है गुरुतर, माने गुरु माने बड़ा और गुरुतर माने सबसे बड़ा। गुरुतर माने सुपरलेटिव डिग्री है, गुरु जो है वो कम कम सुपरलेटिव नहीं है, गुरुतर माने बिगेस्ट है कि नहीं है, बिगेस्ट टालेस्ट ये सब है, इसको गुरुतर कहते हैं। तो यहाँ अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं इसको, कि यहाँ गुरुतरा लिखा है कि केंद्रित
माने कौन गुरुतरा माने सबसे बड़ा होता है, और कहां भूमेन माने भूमि पर, अपिंसित उच्चतरम चखात, और कौन ऐसा इस संसार में है जो खात, खा कहते हैं आसमान को, आसमान का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची है खा, तो कौन इस आसमान से भी ऊंचा होता, मतलब किसका स्थान इस संसार में आसमान से ऊंचा है, और कौन इस संसार में सबसे गुरुतर है, सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, और किंचित शीघ्र तरम वायु, और कह रहे इस संसार में हवा से अधिक शीघ्रतर कौन है, शीघ्रतर माने हवा से तेज चलने वाला कौन है, किसकी गति हवा से भी ज्यादा तेज चलती है, अकिंचित बहुतरम त्रिडात, और कौन ऐसा है, हैं कौन जो त्रिडात माने तिनके से भी ज्यादा जला सकता है, जैसे तिनका है उसमें आग लगा दो तो वो आग जलाती है, तो वह कौन ऐसी चीज है जो आग से भी अधिक, तिनके से भी अधिक जलाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ उत्तर बताया युधिष्ठिर ने कि माता गुरुतरा भूमि, कि संसार में माँ जो उसका स्थान गुरुतरा भूमि, उसका स्थान इस भूमि पर सबसे गुरुतर है, गुरुतर माने सबसे श्रेष्ठ है, क्या है सबसे श्रेष्ठ है, माँ का स्थान इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, और खात पितो चतरस तथा, और पिता का जो स्थान है, है वो आसमान से भी ऊंचा होता है, पिता का स्थान आसमान से ऊंचा होता है, और माता का स्थान इस भूमि से भी श्रेष्ठ होता है, है मतलब, और मन शीघ्र तरह बाता, और कह रहे हैं मन जो है वो बातात, बातात पंचमी का एक वचन का रूप है, अपादान कारक है, तो यहां लिखा कि बातात माने हवा से भी है तेज कौन, तो यहां बता रहे हैं मन है, माने मन एक ऐसा चीज है जो हवा से भी तेज चलता है, और चिंता बहुत रे दृढ़, और चिंता एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को तिनके से भी ज्यादा जलाती है, किससे ज्यादा जलाती है, तिनके से ज्यादा, जैसे मन में आदमी के जब चिंता हो जाती है तो उसको कितना भी घी खिलाओ, मक्खन खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, लेकिन वो उसके शरीर में लगता नहीं है, इसीलिए हिंदी के कवि ने लिखा कि चिंता चिता से बढ़कर होती है, इसलिए बच्चों चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस श्लोक में इतना ही, आज के इस अध्याय में, शेष अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।